राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री अवधास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज आप सभी ने एकादशी की कथा का श्रवण जरूर किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल पर कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि यदि हम व्रत भी नहीं रखते तो कम से कम एकादशी की कथा का श्रवण हमको जरूर करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बांके बिहारी मंदिर में संपूर्ण दर्शन करवाऊंगा, जिसमें हम बांके बिहारी जी मंदिर में आज बाहर के भी दर्शन करेंगे और अंदर गिरिराज जी के, गणेश जी के, बांके बिहारी जी के चरणों में माथा भी टेकेंगे, चौखट पर भी प्रणाम करेंगे और बांके बिहारी जी की आरती का भी आनंद लेंगे और आरती के जल में सराबोर भी होंगे। तो आप संपूर्ण दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी मंदिर में मानसिक रूप से उपस्थित हो और कमेंट के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर में जयकारा जरूर लगाना और चौखट पर माथा भी टेकना। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे। राधे राधे। सबसे पहले हम बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेक लेते हैं, फिर बांके बिहारी जी मंदिर के संपूर्ण दर्शन करेंगे। सबसे पहले सभी लोग प्रेम से माथा टेकें। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली सबकी ओर निहार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और अब हम बांके बिहारी मंदिर में संपूर्ण दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी मंदिर में जो ध्वजा लग रही है उनके दर्शन कर रहे हैं। अभी हम बांके बिहारी जी मंदिर में बाहर खड़े हुए हैं और अंदर भी यहीं से चलेंगे आज। सबसे पहले हम बाहर से जो भक्त निकल रहे हैं उनके भी दर्शन कर लेते हैं। और आप कमेंट के माध्यम से जयकारा जरूर लगाना बांके बिहारी जी का, और आपके अंदर भी कोई भाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना मुझे। अब हम अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं गिरिराज जी के। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सौ गिरवर लियो उठाए। गिरिराज धरण तेरी शरण। हम सभी श्री गोवर्धन महाराज के चरणों में माथा टेकें और जयकारा भी लगाएं। गिरिराज धरण तेरी शरण, श्री गोवर्धन जी की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और अब हम गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद गणेश जी के दर्शन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभु, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपत गणेश काटो कले। सभी लोग श्री गणेश जी महाराज का भी जयकारा कमेंट के द्वारा जरूर लगाएं। और संपूर्ण दर्शन के अंतर्गत हम गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं अभी, फिर मैं आपको ऊपर भी ले चलूंगा अभी। अब हम ऊपर आ गए हैं और बांके बिहारी जी के चित्रपट के दर्शन कर रहे हैं। कजरारे री तेरी आंखों में क्या भरा हुआ है टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी ये हुस्न बयान करूं वह सुंदर श्याम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है। विट्ठल विपुल जी के दर्शन। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री विट्ठल विपुल बिहारिन दास। और विट्ठल विपुल जी के दर्शन करने के बाद अब हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में माथा टेकेंगे। इन्हीं की कृपा से हमको बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और आज एकादशी का शुभ दिन है। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली देव वृंदा विपिन को वास। श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत, श्री स्वामी हरिदास के चंदन सौ कर प्रीत। और गोस्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री वृंदावन निधवन वास। देखो एकादशी के दिन हम मानसिक दर्शन कर रहे हैं और अभी बांके बिहारी जी मंदिर में आरती भी होगी। आरती के भी दर्शन करना, छीटों में सराबोर भी होना। एक बार मैं आपको बांके बिहारी जी मंदिर में ऊपर से जो मंदिर प्रांगण की झलक दिख रही है वो आप देख लें। सभी लोग दर्शन करने के लिए लालायित हैं, बांके बिहारी जी की झलक पाने को तरस रहे हैं। और जितनी देर के लिए आप वीडियो देख रहे हैं उतनी देर के लिए अपना ध्यान जरूर बांके बिहारी जी के चरणों में लगाएं, ताकि उतनी देर के लिए ही सही आपको बांके बिहारी जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो, वृंदावन वास का भी सौभाग्य प्राप्त हो, साथ में भक्ति भी अपने आप उदय होगी। जब हम ध्यान बांके बिहारी जी के चरणों में लगाएंगे तो भक्ति का
प्राकट्य भी होगा और अब बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। इसके बाद आरती भी शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। अब यस्मात सुखे के सदनान मदनारी मुख्या सिद्धिम समीरुतलाम सकलांग शोभाम तम शुद्ध बुद्धि शुभ वृद्धि समृद्धि है तुम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। सभी लोग बांके बिहारी जी के श्री चरणों में माथा टेकें और प्रार्थना करें कि बांके बिहारी जी की भक्ति हमको प्राप्त हो, बांके बिहारी जी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास। और कुछ ही समय में अब बांके बिहारी जी की आरती भी आरंभ होने वाली है। अब सभी लोग बांके बिहारी जी की आरती करें और अपना ध्यान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में केंद्रित करें। आरती के बाद सभी लोग बांके बिहारी जी की आरती के जल के छींटों में भी सराबर होना। अभी सभी लोग अपना जयकारा लगाएं, बांके बिहारी जी की आरती का आनंद लें। आरती के समय बहुत भीड़ हो जाती है और आज एकादशी के दिन श्री बांके बिहारी जी की आरती करने का मानसिक रूप से ही सही, यदि हमको सौभाग्य मिल रहा है तो उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मन में है बसी बस चाहा यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिटला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहिनी रूप निहारा करूं, भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं, मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करूं। और सभी लोग अब बांके बिहारी जी की आरती के जल के छींटों में भी सराबर हो, सभी लोग सराबर हो जाए बांके बिहारी जी के जल के छींटों में। ये बांके बिहारी जी की कृपा रूपी जल है जिसमें सभी को नहाना है, सभी को स्नान करना है, सब पर ये जल बरसे, बांके बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। और आरती के बाद जल के छींटों को लेने के बाद अभी हम बांके बिहारी जी मंदिर से बाहर भी निकलेंगे और परिक्रमा मार्ग के भी दर्शन करेंगे। अब हम बाहर आ गए और बांके बिहारी जी मंदिर की जब परिक्रमा लगाते हैं तो इसी गेट से बाहर निकलते हैं और जिस गेट से आज हम अंदर घुसे थे वहाँ से घुसते हैं परिक्रमा लगाते समय। तो आज परिक्रमा भी हो गई हम की हमारी इसी बहाने, दर्शन भी हो गए और बांके बिहारी जी की एक परिक्रमा भी हो गई। आप सब भी बांके बिहारी जी के मंदिर में मानसिक रूप से माथा टेकें, यहाँ पर भी माथा टेकें परिक्रमा मार्ग में। और यहाँ से बांके बिहारी जी की गर्भगृह की जब सफाई होती है तब यहीं से जल निकलता है और सभी लोग माथे से भी लगाते हैं इसको। परिक्रमा, ये परिक्रमा मार्ग में जो भक्त हमको दिख रहे हैं ये सब आरती करके ही बाहर निकल रहे हैं। और अब हम पुनः उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ से हमने बांके बिहारी जी के दर्शन आरंभ किए थे। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरदास। बांके बिहारी लाल की जय।